जिस पिच पर बल्लेबाजों पर गेंदबाजों ने कहर बरपाया हुआ था, जिस पिच पर एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था, वहां ऐसी पारी खेली कि दंग रह गई दुनिया। जहां की उछाल लेती गेंदों पर दिग्गजों का हो गया था बुरा हाल। क्या रोहित, क्या विराट, क्या हुड्डा, क्या कार्तिक, सबके सब एक साथ फेल। 49/5 था भारत, लेकिन इस पर्थ के पिच पर सूर्या की खेली गई पारी पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैरान है। मैच में भले ही भारतीय टीम को हार मिली हो, लेकिन मुकाबले में सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से छाए रहे। टीम इंडिया की हालत पतली थी, लेकिन इस वक्त सूर्या ने पारी संभाली और 40 बॉल पर 68 रन, पारी में लगाए 3 छक्के और 6 चौके। सूर्या की धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक, पूर्व दिग्गज वसीम अकरम और मिसबाह उल हक ने भी सूर्या की जमकर तारीफ की। शोएब मलिक ने कहा, मुझे लगता है कि ये उसकी सफलता इसलिए है क्योंकि वो अपनी गेम चेंज नहीं करता। यदि वो एक दो पारी में आउट भी हो जाए, तब भी वो एक अच्छी चीज़ करता है कि कंडीशन को जल्दी समझ लेता है, उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है। मिसबाह उल हक ने कहा, एक बात और है कि उसकी स्किल लेवल डिफरेंट है, मतलब इतना स्किल आपके पास हो कि बगैर कोई समय लिए आप खेलें, सर्कल के बाद इतने आराम से गैप ढूंढना और परफेक्टली शॉट को टाइम करना शानदार है। वसीम अकरम ने कहा, मैं आईपीएल में था केकेआर के लिए, बात है 2012-13 की, तब भी इसने झलक दिखाई थी। नंबर 7 पर आकर इसने मिडल स्वीप कर 1-2 छक्के लगाए, तब सब लोगों को लगा था कि ये भी कुछ है। बता दें, मैच में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 133 रन ही बनाए थे। साउथ अफ्रीका की भी हालत एक समय पतली थी, लेकिन माकरम और डेविड विलर की पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल कर ली।